बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए आइसक्रीम केक बार की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेके आया हूँ। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं होते और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाली रेसिपी वीडियो आपको मिलती रहे। तो आएँ रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 500 ग्राम चॉकलेट पाउंड केक। इस केक को हम हाथ की मदद से क्रश करके एक बाउल में डाल लेंगे। चॉकलेट पाउंड केक की रेसिपी भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। तो सब पीसेस को हमने क्रश कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब एक केक मोल्ड में बटर पेपर रखेंगे और इसमें क्रश किया हुआ केक फैला देंगे और इसको हाथ की मदद से दबाएंगे ताकि ये प्लेन हो जाए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब इस केक मोल्ड की चारों तरफ इस केक को लगाकर दबा देंगे। तो दोस्तों, ये केक मोल्ड में अच्छी तरह से चारों तरफ लग चुका है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब एक बाउल में 1 कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे और इसको बीटर की मदद से 2 से 3 मिनट के लिए बीट करेंगे। जब ये पीक्स फॉर्म में आ जाए तब इसमें 1/3 कप कंडेंस मिल्क डालेंगे। और इसको दोबारा से बीट करेंगे। इसको मज़ीद 2 मिनट बीट करने के बाद बीटर ऑफ कर देंगे। अब इसमें 1/4 कप चॉकलेट चिप्स डालेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने इसको एक ही सिम में मिक्स करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब इसको केक पर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको चम्मच की मदद से फैला देंगे। सारी क्रीम डाल लेने के बाद इसको ऊपर से प्लेन कर लेंगे। अब इस पर प्लास्टिक कवर लगाकर 10 से 12 घंटों के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। तो दोस्तों, ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। इस पर से पेपर उतार लेंगे। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाता हूँ। दोस्तों, ये देखने में तो बहुत मज़े का लग रहा है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये आपको कैसी लगी। दोस्तों, मुझे अब आप इजाज़त दें नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।